तो मेहरबानो दुर्योधन घायल होकर भागता है तो खून की नदियां बह रही थी और एक लाश के जरिए वो उस नदी से पार होता है। तो उस लाश को देखता है तो लाश दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण की थी। तो उस लाश को उठा के और गोदी में रख के किस तरह क्या विलाप करता है दुर्योधन और क्या कहने लगा। हाँ, 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 ले शीश गोदे में जब दुर्योधन रोया मने अपने हाथ।
खड़ा हुआ अपने लड़के के शीश को गोदी में लिए हुए और किस तरह रोता है और क्या कहता है। मने बुरा रे करा पांडों से बैर